ये मेरे पास थिकन ब्रश है, इसको मैं अभी पतली पतली काटने लगी हूँ। मैं इसको अभी वॉश करके फिर ड्राई करके फिर ले आती हूँ। अभी मैं इस चिकन को ना कपड़े से, साफ कपड़े से आप ड्राई करके ना तो फिर इधर डालते जाएं। अभी मैंने इसको वॉश किया और वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर रही हूँ। ये देखें, ये इतनी पतली आपने काटनी है। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ना ट्राई कर लिया है। अब इसमें मसाला लगा देती हूँ। ये मैं योगर्ट की जगह लेमन डालूंगी, तो इसमें आपने अगर बनाना है तो योगर्ट डालना है। ये एक लेमन का रस। ये मैंने जो भी मसाले इसमें ऐड किए हैं ना डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। जिनको लग चुका है उनको एक तरफ से करती हूँ, सब कुछ तरह से लग जाए। अगर आप थोड़े साबुत डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। मैंने तो इनका सही तरह से पाउडर बनाया है, और जो जो मैंने डाला है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में राइट कर दूंगी। अब इसको कवर करके कुछ टाइम के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी क्योंकि ऑयल के बगैर ये साथ चिपकेगा नहीं जो मसाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल दें, मैं तो ज्यादातर ऑयली ऑयली इस्तेमाल करती हूँ, पर आप कोई सा भी डाल सकते हैं। ऑयल का ये फायदा हो जाता है कि जो मसाला आप लगाते हैं ना वो उतरेगा नहीं। अगर इसमें जो मैंने लेमन डाला है ना, अगर लेमन की जगह योगर्ट होता ना तो उसका टेस्ट कुछ और तरह से बनता। तो यहाँ बहुत से बच्चों को ना प्रॉब्लम है इसकी, एलर्जी योगर्ट की, तो फिर मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती। यहाँ एग की एलर्जी, योगर्ट की एलर्जी, पता नहीं क्या क्या है। इस कंट्री में इतनी ज्यादा धूप नहीं लगती शायद इस वजह से। इसको मैं अब कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। किचन में मिंट, ये पुदीना मैंने लगाया हुआ है ग्लास में, वो अपने रूट उधर छोड़ देता है और पानी में माशाल्लाह ये इतना अच्छा ग्रो होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर से हाजिर। ये मैंने 1/4 कप जो है डाला है मेयोनेज़ का। अच्छा, इसमें मैंने बनाना है सॉस, बनाना है इसके लिए शोरमा के लिए। आज मैं शोरमा पहली बार बना रही हूँ। इसमें ये गार्लिक क्लॉव्स जाएंगी, मैंने 4 ली हैं, आप अगर छोटी हैं तो 5-6 भी ले सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी सी हैं, तो ये मैंने 4 ले ली हैं।
1/4 टीस्पून ऑर्गेनो, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये 1/4 ही जो नमक इसमें डाला है, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 से 1.5 टेबलस्पून, मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और आप 1 से 2 डाल सकती हैं, ऑलिव ऑयल, एक से डेढ़ चम्मच लेमन, ये मैंने तो फ्रेश किया है, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। सेसमी सीड वाइट वाले, मैंने इनको वॉश किया है क्योंकि थोड़ी वो होती है डस्ट वगैरह ना, तो 2 टेबलस्पून लिए थे। ये मेरे पास हनी वाली बोतल थी और मैंने उसमें डाल दिया है, ये रहा, ये मैंने हनी वाली बोतल में डाल दिया है।
पहले मैं दो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो कि मैंने मैल दिखाई नहीं। ऑयल इनको लगा हुआ है चिकन को, तो इसलिए तवे पे और नहीं लगाया। Chicken nice, no? Nice, Maria. Yeah. MashaAllah, Sufyan says it's nice. That means it's a nice tasty one, yeah.